हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। आपको अगर सेकंड पार्ट देखना है वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, मैं वहाँ पर एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट प्रीपोजिशन बिफोर, जैसे कि पहला इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने। जैसे कि एग्जांपल समझिए, द क्रिमिनल वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, जो क्रिमिनल है उसको उपस्थित किया गया किसके सामने, जज के सामने। तो बिफोर का हमने यहाँ प्रयोग किया गया, ठीक है। तो सेकेंड इसका प्रयोग है वो कहाँ पर है, बिफोर का जो प्रयोग है वो कहाँ पर करते हैं, सेकेंड पहले के सेंस में, मतलब ए कम्स बिफोर बी, जो ए है वो पहले आता है बी से, ठीक है। ओके, अब जैसे अगर अगली प्रीपोजिशन हमारी अक्रॉस, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, पहला क्या है, इन द अदर साइड, किसी चीज़ से दूसरी तरफ, मतलब एग्जांपल समझिए, देयर इज़ अ विलेज अक्रॉस द रिवर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस और थ्रो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कन्फ्यूजिंग पेयर भी यही है, तो ध्यान से देखना है आप लोगों को, तभी समझ में आएगा दोस्तों। जैसे कि देयर इज़ अ विलेज अक्रॉस द रिवर, जो विलेज है वो कहाँ पर है, रिवर के दूसरी तरफ है वो, ठीक है। तो अक्रॉस का प्रयोग आप किसके प्रयोग में करते हैं, किसी चीज़ से दूसरी तरफ। मोहन रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है, जो मोहन है वो भागा कहाँ पर, रोड के दूसरी तरफ। मोहन यहाँ पर था, वो भाग के यहाँ पर आ गया, मतलब दूसरी तरफ भागा मोहन। तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, अक्रॉस का। जैसे कि सेकंड है, टू डायमेंशन को सोकन लें, लेंथ में लेंथ और ब्रेथ, अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको, मैं थ्रो समझाऊंगा, अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड, ठीक है, और अगला एग्जाम्पल है ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द डेजर्ट। जैसे कि थ्रो समझा देता हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद समझ में आएगा वो। थ्रो का जो प्रयोग करते हैं हम, करते हैं मीडियम, मतलब किसी काम को करने का माध्यम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, ही गोट सक्सेस थ्रो हार्डवर्क, वो सक्सेस कैसे हुआ, हार्डवर्क से हुआ ना। जो उसके सक्सेस का जो माध्यम है वो क्या है, वो हार्डवर्क ही है उसके दोस्तों, ठीक है। तो थ्रो का हमने यहाँ प्रयोग किया। जैसे कि अगला भी समझ लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ही गोट द जॉब थ्रो मनी, वो जॉब जाता है किसके लिए आता है, वो मनी के लिए, पैसे के लिए जाता है ना। तो जो उसका मेन काम है, जो माध्यम है जॉब का, वो क्या है, वो आपका मनी है, ठीक है। मनी ही तो है जॉब का माध्यम, ठीक है, उसी के लिए जाता है वो। तो उसका हम क्या करेंगे, थ्रो का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सेकेंड है, ये ध्यान से समझना आपको, जब समझ में आएगा अक्रॉस वाला भी, ठीक है। थ्री डायमेंशन को शो करने के लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, ही वॉज पासिंग अक्रॉस अ टनल, यहाँ अक्रॉस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि अक्रॉस का प्रयोग सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को शो करने के लिए करता है, मतलब टू डायमेंशन में ही अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। अब थ्रू का जो प्रयोग करता है वो किया जाता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब तीनों अगर डायमेंशन होंगे, मतलब थ्री डायमेंशन होगी, तभी वहाँ पर थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिए इसको, ही वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, थ्रू का मतलब थ्री डायमेंशन। टनल क्या होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, लेंथ होती है उसकी, ठीक है, ब्रेथ होती है, और उसकी हाइट भी तो होती है, ठीक है। तो बंदा है वो कहाँ कर रहा है, पास हो रहा है वो टनल से, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, थ्रू का। अब जैसे कि अगला समझिए आराम से, ही वॉज पासिंग अक्रॉस अ सिटी, हाँ अक्रॉस नहीं आएगा। अब सिटी में क्या होता है, थ्रू आप क्यों आया, सिटी में क्या होता है, सिटी में आपकी जो शहर हैं उसमें बिल्डिंग्स होती हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये वहीं पर ही प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कोई ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि समझिए ध्यान से, सिटी है कोई, वहाँ पर क्या होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स की हाइट होती है। तो दोस्तों कोई बंदा अगर वहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। आप जैसे ध्यान से समझिए अगला एग्जाम्पल, फोर्ट ही वॉज पासिंग अक्रॉस द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में क्या, जंगल है, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पेड़ होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, और अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, वहाँ पर क्या होंगे, पेड़ होंगे, ठीक है। अब पेड़ होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हाइट होगी पेड़ों की। अब जब हाइट होगी तो क्या होगा, अब थ्रू का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। उसमें क्या हो, लेंथ हुई, ब्रेथ हुई, हाइट हुई, तो तीनों आ गई, तो थ्री तीनों कंडीशन के लिए आ गई, सेटिस्फाई कर दी, तो क्या हुआ, थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। बहुत दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसे कि अगला एग्जाम्पल समझिए, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, तो ट्रेन है वो कहाँ से पास हुई, टनल से। तो टनल में क्या होता है, लेंथ होती है उसकी, ब्रेथ होती है, और हाइट होती है, ठीक है, तीनों चीज़ें होती हैं।
तो इसलिए हमने क्या लगाया है, थ्रू लगाया। यहाँ पर हम एक्रॉस भी लगा सकते हैं, मगर हमने नहीं लगाया क्योंकि एक्रॉस सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रिथ जहाँ पर होगी वहीं शो करेगा एक्रॉस, ठीक है। और टनल अगर हाइट आ गई है तो टनल उसमें क्या प्रयोग होगा, आपका थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला देखिए, प्रीपोजिशन ड्यूरिंग, जो ड्यूरिंग का प्रयोग है उसका मतलब क्या होता है, पहले पहले समझिए ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, सिंपल बस इसका यही है। एग्जाम्पल, ही कम्प्लीट हिज होमवर्क ड्यूरिंग द समर वैकेशन। उसने जो अपना होमवर्क है वो कब किया कम्प्लीट, किसके दौरान किया, समर वैकेशन के दौरान उसने अपना होमवर्क कम्प्लीट कर लिया, ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट का जो प्रयोग है वो कहाँ पर करते हैं, के बावजूद, इसका मतलब होता है। नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ऑफ इज़ नॉट यूज आफ्टर डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों कुछ भी हो जाए हम ऑफ लगाएंगे ही नहीं, कंपलसरी है दोस्तों, और यहीं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पर ऑफ तो आएगा नहीं, हिज फेलिंग हेल्थ टू कंटिन्यू हार्ड वर्क, मतलब क्या है इसका, उसकी हेल्थ ख़राब होने के बाद भी वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला प्रपोजिशन क्या है, टू वर्ड्स, पहला है हमारा इन द डायरेक्शन, किसी चीज़ की तरफ, किसी की तरफ, जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, ही वेंट टूवर्ड्स मुखर्जी नगर, वो कहाँ पर गया, मुखर्जी नगर की तरफ गया, ठीक है। तो टूवर्ड्स का तो सिंपल ही है, किसी की तरफ, ओके। जैसे कि अगला है हमारा अबाउट, पहला क्या है हमारा रिलेशन, रिलेटेड टू, मतलब किसी चीज़ से संबंधित या के बारे में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग मैथमेटिक्स, मतलब मैं मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, अबाउट का, ओके, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अबाउट मतलब के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और जो अगला प्रयोग है इसका, वो कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है आपका नियर और क्लोज, मतलब नज़दीक के सेंस में, ठीक है। पास के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द काउ वॉज ग्रेजिंग अबाउट द फील्ड, जो गाय है वो चर रही है कहाँ पर, फील्ड के चारों तरफ, मतलब फील्ड के पास, तो पास के सेंस में भी अबाउट का प्रयोग किया जाएगा, ओके। फिर जो तीसरा है इसका अप्रोक्स, अप्रोक्स को शो करने के, मतलब नज़दीक उसके, जैसे कि अबाउट 20 स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास, लगभग कितने स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट जो हैं वो अटेंडेड हैं, मतलब उपस्थित हैं किस में, क्लास में, ठीक है। तो अबाउट का हमने प्रयोग अप्रोक्स के शो करने के लिए भी किया। जैसे कि ऑफ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में, समझने की कोशिश करिए। जैसे कि ऑफ है, एग्जाम्पल क्या, स्विच ऑफ यूर मोबाइल, स्विच ऑफ कर दो अपने मोबाइल का, ठीक है। ऑफ का तो सिंपल है बंद करना, और सेकंड जैसे फर्स्ट देख लीजिए आप इसका, डिसकनेक्शन मतलब अलग होने के लिए भी, जैसे कि द बॉय फेल, ऑफ यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा समझिए, डबल ऑफ वाला, ओ डबल एफ वाला भी आएगा, यहाँ आएगा, कैसे आएगा समझिए इसको, द बॉय फेल ऑफ द रोड रूफ, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे क्यों आया, जैसे कि रूफ क्या होता है, छत होती है, ठीक है, ये छत है, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा था, अब वो क्या हुआ, गिर गया वहाँ से, तो क्या हुआ, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से क्या हुआ, वो अलग हुआ, ठीक है। अलग होने के सेंस में हमने क्या प्रयोग किया उसका, ऑफ का, यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे सेकंड देखिए, द लीव फेल ऑफ द ट्री, मतलब जो पत्तियाँ हैं, जो ट्री है इसकी जो पत्तियाँ हैं वो क्या हुई, वो गिर गई, मतलब अलग हुई, तो अलग होने के सेंस में किस क्या प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का प्रयोग, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम है अगली प्रपोजिशन, फर्स्ट क्या है इसका, ओरिजिन, फ्रॉम सिंपल, जैसे कि एग्जांपल है इसका, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, जो गंगा है वो कहाँ से निकल रही है, सिंपल है, फ्रॉम, फ्रॉम किसके लिए, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन जो है गंगा का वो क्या है, हिमालय, गंगा जो है कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, सिंपल, ठीक है। आउटसाइड, अब आउटसाइड के प्रयोग में भी इसका करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से एग्जाम्पल को, ही वाज सिटिंग आउटसाइड द रूम, वो कहाँ पर बैठा है, वो बैठा है कहाँ पर, रूम के बाहर, ठीक है। अगला देखिए, बाय, बाय प्रपोजिशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके में जितने भी यूजेज हैं वो सारे मैंने बताए हैं इसमें। जैसे कि पहले देखिए, टिल, टिल मतलब तक,
एग्जाम्पल है ही विल कम बाय टुमारो, वो कब तक आएगा, वो कल तक आएगा, ठीक है। जैसा कि अगला है क्लोज, नज़दीक के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए द गंगा पासिस बाय माई विलेज। दोस्तों वीडियो को पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें मतलब क्या है, बाय का मतलब है नज़दीक के, नज़दीक के सेंस में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। जो गंगा है वो पास हो रही है मेरे गांव की तरफ से, ठीक है, मेरे गांव के पास से, ओके। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है देयर इज़ अ टेम्पल बाय माई हाउस, जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, वो मेरे घर के पास में है, ठीक है, ओके। और जो तीसरा है इसका एग्जाम्पल एजेंट, मतलब किसी काम को अंजाम देना, किसी काम को अंजाम देने के लिए भी इसका प्रयोग कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मस्ट ही मस्ट है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए कैसे द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट, ये तो सिंपल है। अब ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल द रैट वॉज किल्ड, यहाँ बाय का प्रयोग नहीं किया। अब क्यों नहीं किया हमने, आप ऊपर देख सकते हैं मैंने बताया भी है बाय का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्योंकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट आ रहा था, हमने इसलिए जो है यहाँ पर नहीं किया, और ऊपर जाकर भी देख सकते हैं मैंने अच्छे से समझाया। जैसे कि द रैट वॉज किल्ड बाय अ नाइफ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या आएगा, बाई आएगा। अब यहाँ पर बाई क्यों आया, क्योंकि जो एजेंट है किसके द्वारा अंजाम दिया गया, वो अंजाम दिया गया जो रैट है वो मारा गया किसके द्वारा, कैट के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा मारा गया, कैट के द्वारा, तो हमने बाई का यहाँ प्रयोग किया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर आपको वीडियो का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये, बहुत ज़्यादा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।